हेलो जी, कुछ उस बर्थडे का सेकंड पार्ट आ गया है और ये बैठे हमारे बर्थडे बॉय। और दिन में यहाँ पर मैंने कराया था कीर्तन माता रानी का और रात को बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, सो मैं उसी की तैयारी में लगी हुई थी। सुबह से मैं बस वही सब कर रही थी क्योंकि मैं अकेली थी करने वाली और मेड भी मेरी लेट आई थी उस टाइम पे। पर ये था कि मैंने अपनी तरफ से जितना मुझसे हो सका मैंने किया। और यहाँ पर मैंने मंदिर बाहर रख दिया था हॉल में क्योंकि यहीं पर मैं कराने वाली थी, और जो भी मेरे पास सामान था मैंने हर चीज़ लगा के अच्छे से अपने घर को डेकोर किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही सब लोग आ गए थे, फिर मैं रेडी हुई और बस यहाँ पर फिर हमारा कीर्तन शुरू हो गया। ये सब करते करते खाना बनाया, फिर शाम हो ही गई थी। फिर मैं लग गई शाम की जो डेकोर करना था और बर्थडे की केक कटिंग के लिए जो भी प्रिपरेशन करनी थी उन सब में मैं लग गई, तो वो भी मैंने अपने आप ही की थी। ये सब करने के बाद बस फिर तैयार हुए, सब कुछ किया, धीरे धीरे सब लोग आ गए थे, केक कटिंग हुआ, यहाँ मेरी फ्रेंड्स जो सब आई हुई थी उनका डिनर हो रहा था, बच्चों ने भी काफ़ी मस्ती की, और यहाँ फिर मैंने सोनी सोनी सी पिक ले ली बच्चों के साथ। ज़्यादा मैं सबके साथ नहीं ले पाई क्योंकि वही था कि बिजी इतने हो गए थे कि फ़ोटो लेना याद ही नहीं रहा, थोड़ा बहुत लिया। ये एक डेकोर आइटम था जो मैंने आरवी क्राफ्ट जो मेरी फ्रेंड है उनसे कराया था। ये हमारे लड्डू महाशय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लवली विशेज़, थैंक यू।